हेलो बच्चों, क्या आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप 2023 में यूपी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं? क्या आप हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में जानते हैं कि OMR कैसे भरी जाती है? तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि OMR जो 20 नंबर का आता है वो कैसे भरा जाता है। चलो हम बताते हैं आपको OMR में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए हमें, वो गोला कैसे भरा जाता है, कहाँ अपना रोल नंबर डाला जाता है, कहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, अपने सिग्नेचर किए जाते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कि OMR के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलो हम शुरू करते हैं, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर OMR में आपको दिया होगा, यहाँ पर जो OMR में देखो, यहाँ पर आपको OMR संख्या दी रखी होगी। OMR की जो क्रम संख्या होगी वो आप यहाँ पर दे रखी होगी। जो आपको OMR मिलेगी, आपकी कौन सी क्रम संख्या की OMR है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर आपको यहाँ दिया रहेगा जिला कोड, क्या आपका जिला का कोड क्या है। यहाँ पर देखो जैसे आगरा का दिया है, यहाँ पर सैंपल के लिए आगरा वन है आपका, जैसे कभी 30 दिया होगा, जैसे जो भी आपका जिला होगा उसका 30 करके, 10 करके, 20 करके कुछ भी होगा आपका आगरा को देश में दिया है जैसे, तो आपका कुछ भी हो सकता है जिले के। अब यहाँ पर रहेगा केंद्र कोड, देखो जो केंद्र कोड होगा वो आपको उसी में भरा रहेगा, OMR में ही आपको भरा हुआ मिलेगा जी, तो इसको आपको नहीं भरना पड़ेगा। अनुक्रमांक भी आपको OMR में ही मिलेगा, तो इसको भी नहीं आपको भरना पड़ेगा जी, आपको OMR में ही पूरा फिल किया हुआ मिलेगा। अब आपका जो विद्यालय कोड होगा, विषय कोड होगा, जो विषय कोड आपका जो हिंदी है, इंग्लिश जो भी होगा उसमें विषय कोड भी आपका डाला है। जैसे यहाँ पर देखो दिया 901, आपका जो भी होगा 801, 810, 900, 900, जो भी हिंदी कोड होगा वो आपको मिलेगा, इसमें 901 डाला। जो भी आपका हिंदी कोड होगा वो आपका यहाँ पर देखोगे प्रश्न पत्र संख्या, इसे इसमें 801 है प्रश्न पत्र संख्या, तो आपकी जब आप पेपर को देखोगे तो पेपर में ऊपर आपको मिलेगा, जैसे जैसे 801 यहाँ पर लिखा होगा, जैसे बी ए कुछ भी दिया होगा जैसे, तो यहाँ पर जो आपको ऐसे कुछ के कुछ दिया होगा वो प्रश्न पत्र संख्या और जो कोड दिया होगा, और ये आपको पेपर में जो OMR मिलेगी इतना सब आपको OMR में भरा हुआ मिलेगा, इसको आपको नहीं भरना होगा। चलो हम देखते हैं OMR में, और देखो गोले, OMR में गोला कैसे भरा जाता है। देखो बहुत से बच्चे गोला भरते तो हैं लेकिन वो इसमें गलती कर देती, कैसे। देखो OMR को गोला भरते वक्त हमें कैसा गोला भरना चाहिए, देखो गोला भरने के लिए सबसे अच्छा पेन ब्लैक पेन होता है। देखो गोला भरने के लिए आपको काला पेन ही चाहिए, लेकिन गोला नीले पेन से भी भर सकते हैं, लेकिन क्या होती है कि मशीन जो स्कैन करती है वो काली कलर को जल्दी स्कैन कर लेती है, और इसलिए गोला भरने के लिए बेस्ट पेन आपको काला ही लेना है। अगर जितना आप काली पेन से गोला भरेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखो गोला कैसे भरना है, देखो गोले में जैसे इसमें दिया है आपको, देखो यहाँ पर कि गोले में आपको कोई पॉइंट नहीं रखना, नहीं आपने कोई क्या ऐसे पॉइंट करके बना दिया था गोला, वो नहीं करना आपको। देखो यहाँ पर जैसे बी में दिया है आपको टिक नहीं लगाना है ऐसे करके, वो आपका गोला मान्य नहीं होगा। और आपको ऐसा नहीं करना कि जैसे आपने भरा हो थोड़ा भरा गोला छोड़ दिया इसको जैसे जीते रखा, तो ऐसा आपका ये गोला भी आपका गलत माना जाएगा। देखो गोला आधा भी नहीं भरना आपको, अगर आप आधा गोला भर रहे हैं तो आपका गोला गलत माना जाएगा और आपका वो क्वेश्चन पूरा बेकार चला जाएगा। देखो गोला आपको भरना कैसे है, देखो इसमें नीचे दिया है, देखो ये दिए रखे गोला आपको, जो गोला भरना है बिल्कुल पूरा गोला भरना है, जो आपको दिया रहेगा उसमें कहीं से भी कुछ नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल पूरा गोला गोल करके आपको भरना चाहिए पेन से, ब्लैक पेन से ही भरना तो बेहतर रहेगा। देखो तो आपको 20 नंबर का जो OMR मिलेगा, आप किसी देखो ये नंबर आपके प्योर नंबर है क्योंकि इसमें कोई कटने वाला नहीं, अगर आपने गोला सही से भरा आपका सही है तो आपको पूरा नंबर ही मिलेगा। इसके बाद देखें, हाँ इसके बाद देखें मार्का सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्का सीरीज, ये कुछ ऐसी मार्का सीरीज से इसके बारे में हम आपको बताएं। देखो मार्का सीरीज क्या होगी, आपको जो प्रश्न पत्र देखो जैसे इसमें दे रखा होगा आपका कोड, इसी दे रखा होगा 801 का भी हमने बताया, इसमें दिया होगा कुछ भी बी ये दिया होगा, कुछ मान के चलो कोड डला होगा, जैसे दे रखा होगा आपका 822 BB जैसे, तो जी आपके जो
अल्फ़ाबेट होता बी, बी बी ए जी होता आपका मार का सीरीज। तो मार का सीरीज में जैसे आपका बी ए है, तो आपको यहाँ पर क्या करना, पहला अक्षर बी भर देना और दूसरा ए भर देना। जो भी हो आपका बी बी हो तो यहाँ पर बी आएगा, फिर यहाँ पर बी आ जाएगा। जैसे आपका बी ए है तो आप बी भर देंगे, और बी भरने के बाद आपको जो बी वाला गोला है तो बी वाले गोले पे क्या करना, इसको गोला कर देना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ए है तो जो आपका ए है तो दूसरा अक्षर ही है, तो ए वाले पे आपको गोला कर देना। ठीक, इसके बाद गोला करने के बाद आपका जो मार्कर सीरीज हो जाएगा पूरा। फिर आप चलो नीचे देखते हैं। देखो तो जो प्रश्नपत्र भाग संख्या है, देखो तो चित्रकला, देखो तो चित्रकला, आप अगर चित्रकला का है तो चित्रकला के लिए आपको कौन सा, देखो अगर आप आलेखन वाला भाग कर रहे हैं तो इस आलेखन वाले के सामने गोला भर देना, और अगर प्राविधिक भाग कर रहे हैं तो इसके सामने गोला भर देना। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आलेखन वाला ही भाग करते हैं, तो आपको आलेखन वाले भाग के सामने गोला लगा देना, इसको पूरा भर देना। और जो बच्चे संगीत वादन विषय के लिए जैसे तबला पखावज वाले हैं, तो उनको इसके सामने गोला भरना, नंबर एक करना। और जो सितार वीणा सारंगी वाले हैं, उनको इसके दो के सामने गोला भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो वो बहुत से बच्चों का डाउट ये रहता है कि हस्ताक्षर हमें किस में करने, हिंदी में करने हैं कि हमें इंग्लिश में करने हैं। तो आपको हस्ताक्षर उसी में करना है जो आपकी मतलब एडमिट कार्ड में दिया होगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर हिंदी में है तो आप उसे हिंदी में करेंगे, अब अगर आपकी हस्ताक्षर इंग्लिश में है तो आप उसे इंग्लिश में करेंगे। जैसे आपके हस्ताक्षर दिए हैं तो आप वैसे बना सकते हैं, अगर हिंदी में है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे आपके एडमिट कार्ड में दिए होंगे उसी प्रकार के हस्ताक्षर। देखो जी होगा, जी क्या होगा आपका, एक जी नीचे आपका जी क्या होगा, यहाँ से देखो जो कैची क्रॉस दिख रहा है, यहाँ से जी वो मार्क काट दिया जाएगा, जी आपकी केंद्र में जाएगी। देखो यहाँ पर जो क्या है, परीक्षा केंद्र से आपकी भेज दी जाएगी, इसमें क्या है आपको देखा जाएगा। देखो जी ओ एम आर सीट में है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना, इस तरफ जो गोली है इसको कुछ नहीं भरना, ना इस कोई उत्तर देने, इस तरफ कुछ नहीं करना आपको। जो परीक्षा केंद्र ये तो कुछ आपको डाला ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, इस तरफ आपको बस मार्क का सीरीज ही भर देना, जैसे आपकी जो भी मार्क का सीरीज हो उसको भर देना बस। यहाँ पर जो भी आप आलेखन का भाग कर रहे हैं, जैसे आलेखन वाला भाग कर रहे हैं तो उसमें एक पे गोल टिक लगा देना, इस पर गोला नहीं लगाना, इसमें टिक लगाना। अगर प्राधिक वाला भाग कर रहे हैं तो उसमें दो पे टिक लगा देना। और आप अगर नीचे संगीत वादक वैसे जो भी कर रहे हो, पखावा तबला वाला, तो एक पे लगा देना, और संगीत वीणा वाला अगर आप भाग कर रहे हैं तो दो पे टिक लगा देना। देखो तो आपको समझ में आएगा तो गोला कैसे। इसके बाद आपको नीचे इसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में दिया, अगर इंग्लिश में दिए तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में दिए एडमिट कार्ड में तो आप हिंदी में बना देना। यहाँ पर आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद जो भी होगा आपकी ओ एम आर, इस तरह आपको ओ एम आर भरनी है। अब देखो यहाँ पर हम बता रहे ओ एम आर से रिलेटेड कुछ निर्देश दिए। देखो ओ एम आर हमें भरने का सही तरीका कैसे बताएगा, देखो इसमें यह केवल काले या नीले बॉल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरें। आपको जो गोला भरना है वो गोला भरने के लिए मार्केट में जाना, एक 10 रुपये वाला गोला भरने वाला पेन आता है, तो आप उससे बोल देना कि हमें गोला भरने वाला पेन दे दीजिए, तो दुकानदार आपको देगा। तो वो क्योंकि उसका जो बॉल होता है वो बहुत मोटा चलता है, तो मोटे चलने की वजह से आपको गोला भरने में आसानी रहती। ठीक, इसके बाद हाँ देखो प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा कर दीजिए। हर प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, देखो जो आपको गोला भरना है उसमें 4 विकल्प मिलेंगे। देखो अगर विकल्प में ए बी सी डी, अगर आपको मान चलो ए विकल्प सही है तो आप ए वाले पे गोला लगा देना, बी है तो बी पे। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, प्रश्न में ए बी सी डी नहीं दिया रहता, तो कहीं कहीं पर प्रश्न में नंबर डली रहती, ए 1 2 जैसे 3 4, तो आपको जैसे अगर उसमें जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा विकल्प सही है आपका, तो आप दूसरा विकल्प सही है तो आप किस पे गोला लगाएंगे, जो गोले में बी दिया उस पे गोला लगाएंगे। कहीं पर ये नंबर 1 डला रहता, 2 डला रहता, 3 डला रहता, 4 डला रहता विकल्प में, अगर आपका तीसरा विकल्प सही है तो आप सी पे गोला लगाएंगे। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं ओ एम आर में। देखो ओ एम आर
में आपको देखो ओ एम आर में आपको वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। देखो बहुत से बच्चे क्या करते गलती करने पर वाइटनर लगा देते, तो क्योंकि वाइटनर अगर आप उसमें लगाओगे तो आपका जो प्रश्न जो आपने किया है उसका उत्तर क्या होगा, अमान्य माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो आपका जो गोला लगा है तो वो मशीन उसको गोले को स्कैन ही नहीं करेगी और आपका वो प्रश्न बेकार चला जाएगा। इसलिए आपने जो गोला भर दिया तो उसको ही भरा रहने दे, उसमें वाइटनर नहीं लगाएं। देखो जो भी आपका प्रश्न होगा तो प्रश्न में आपका जो अगर एक प्रश्न सही हो तो उसी पे आपको गोला लगाना, ऐसे नहीं मत करना जैसे इसमें ए है बी है सी है, तो बहुत से बच्चे ए पे गोला लगा देते फिर पता चलता नहीं ए नहीं है हमारा, फिर उन्हें बाद में पता चलता कि नहीं बी सही था, तो फिर वो बी पे भी गोला लगा देते। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों वो ए और बी दोनों पर उन्होंने गोला लगा दिया तो उसके दोनों विकल्प बेकार चले जाते, वो पूरा प्रश्न फिर गलत ही हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। देखो उत्तर आपको जो भी सही उत्तर दिखे उसी के सामने आपको गोला लगाना है, ठीक। इसके बाद ये मार्कर सीरीज से प्रश्नपत्र, मार्कर सीरीज हमने बता दी। देखो जैसे अभी आपने बताया था जैसे अंग्रेजी कोड दे रहा है कि बड़े अक्षर में ए भी दिया डब्लू भी दिया एक्स वाई जो भी आपका होगा मार्कर सीरीज उसमें दिया होगा, जैसे हमने 822 बी ए है तो इसमें मार्कर सीरीज बी की है, जो प्रश्नपत्र क्या है कोड है तो जी ठीक आपको समझ में आ गया हो जी। इसके बाद पूरे निर्देश दिए गए हैं कि आपको भी क्या करना है। देखो इसमें दिया है कहते हुए प्रश्नपत्रों में मार्कर सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्नपत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर प्रश्नपत्र मार्कर सीरीज का कुछ भी अंकित नहीं करना है। मतलब जिसमें जिस कुछ प्रश्न आपको मिलेगा पेपर किसी किसी में जो मार्कर सीरीज नहीं दिया है ऐसे दिया है तो आपको उसमें मार्कर सीरीज वाला जगह छोड़ना है, उसमें आपको कुछ नहीं भरना है। अगर आपने मार्कर सीरीज दिया है तो तभी आपको उसको भरना है, ठीक है। आपको ये सब डाउट क्लियर हो चुके हैं, अगर जो भी डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट में बताएगी तो हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।